में कोई टैलेंट नहीं है और ये बोझ है, जीवन का सहारा है, कैसे कटेगा। किसी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास और दृढ़ संकल्प, कुछ करने की अगर व्यक्ति में तमन्ना हो तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक चाहे कमी हो, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है उसको आगे बढ़ने के लिए कितना दृढ़ संकल्प है। एक हौसले से सफर की शुरुआत होती है। सफर में मुसीबत आए तो हौसले को थकान होती है। अपने हौसले को थकने मत देना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी हौसले से एक दिन आसमान में उड़ान होती है। संत कबीर साहब ने करे बैया बले अपनी, अपने आप पर विश्वास कीजिए, छोड़ बरानी आज दूसरों को सहारा, छोड़िए करे भैया बले अपनी, छोड़ बनानी आस और तेरे आगन, तेरे पास सब कुछ है और तो भी तू प्यासा मर रहा है, तो भी तू दूसरों के सामने रोना रो रहा है। मुश्किलों से हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, मुश्किलों से लड़ने वाले के ही कदमों में सारा जहां होता है। तो मुश्किलों से ही हमें जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। दिव्यांग व्यक्तियों पहले उनके शरीर को देख कर ही बाहरी बनावट से बोल देते थे कि अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा और यह बेचारा बोलते हैं। मैं कहता हूँ उनकी जो इंटरनली पावर है उसको पहचानना चाहिए। I have a physical challenge 70%, but that is not my problem. That is a super power. Disability is not physically, disability is the bad attitude of person. नॉर्दर्न आइलैंड में जो नॉर्थ चैनल काफी ठंडा है उसके क्रॉस किया अपनी टीम के साथ। बिल्कुल। तो इन चीजों का 2020 में मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको नॉर्वे तेंजिंग अवार्ड ये है ये मिला। 2014 में मेरे को विक्रम अवार्ड में कभी सोचता भी नहीं था। एक ग्वालियर चंबल से जो डाकुओं के नाम से जाना जाता है, तो मैंने सोचा खेल का भी शुरुआत करते हैं। विक्रम अवार्ड पहली बार भिंड को भी मिला। श्री सत्येंद्र सिंह, आप व्हीलचेयर बाउंड अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक हैं। आपने इंग्लिश चैनल को पार किया तथा फ्रांस रीव एलटी हाउस से एलिफेंटा आइसलैंड से 33 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 43 मिनट में पार किया। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए जल साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए, रास्ता बन जाए।